लाल 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 हेलो जब्बा जानू। हाँ, आज फ्री हो? ओहो खूब सारी बातें करेंगे, खुल के बातें करेंगे, बहुत दिन हो गए, मैं बिजी रहती हूँ। आया है कितना इम्पोर्टेंट काम आ जाए, कितना ही सब ताक पर रख दूंगी तुम्हारे लिए, खुल के बातें होंगी आज, खुल के। हाँ हाँ करना। आया है मेरी बच्ची, रोई मत, मेरी हंसी निकल जाएगी, रोई मत, क्या हो गया? अम्मा सासू माँ ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। अरे है फिर? मैं नहीं जाऊंगी उस घर में अब। लड़ा के आइए क्या? हाँ लड़ा के आइयो। एक हाथ का सर फाड़ गया? नहीं नहीं जा बावली, एक हाथ का सर और फाड़ के आती, बहू ने मगू ने मार के आती, ऐसी आ गई खाली हाथ, नाक कटवाएगी मेरी, चल यहाँ से। तो ये शादी के 6 महीने तक मैंने क्या सिखाया था, शादी से पहले खूब लड़ियो, सास की जिंदगी कैसे खराब करते हैं, नंदों की कैसे करते हैं, तूने तो नाक कटवा दी मेरी, चल जाती हूँ दोबारा ट्रेनिंग में, जा अंदर जाके खेल, चल डरे हो जा, और आई हो मत कम से कम 3 दिन तक मेरे पास। हेलो, हाँ जब बाजानू, हाँ तुम बोलो ना बोलो। होल्ड करना। और मेरी मनु समझन कैसी हो? क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो गया? बस सब बढ़िया। मैं वो बेटी को लेने आई थी। कहाँ है? क्यों क्यों क्यों? तो लड़के आई है, लड़ाई तो होती रहती है घर में। हाँ। मैं लेने आई हूँ उसे। मैं नहीं भेजूंगी। क्यों नहीं? मैं नहीं भेजूंगी, उसकी मर्जी होगी तो हो जाएगी। मैं उन माओ में से नहीं हूँ, ससुराल वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। नहीं बेटी, दुल्हन बन के गई हो, अर्थी बन के वापस आना, ये अलग कॉन्सेप्ट नहीं चल लिया। उसका मन होगा तो जाएगी, उसका मन होगा तो नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फजीताबाजी। मैं लेने आई हूँ। तू थोड़े कर या बहुत कर, मुझे नहीं पता। उसे बुला लो, एक काम करो, उसकी मर्जी होगी तो जाएगी वो। नहीं क्यों नहीं जाएगी उसकी मर्जी, लिया पूरा खानदान लिया ना, ऐसी जूती उतार के बजाऊंगी, गंदा कर दूंगी, ले जाएगी उठा के जबरदस्ती। इधर आ जा, चल इधर आ जा। हाँ हाँ, इतना मजा आया उस दिन। बस हाँ, बुला आजा। हाँ बुला रही, तू भी तो कर, चल यहाँ से। ओ छिलट्टी। हाँ अम्मा। ये आइए तेरी सास। क्यों आई है? हाँ बेटा चलो घर पे। हाँ जाओगी घर पे? मैं नहीं जाऊंगी अम्मा इनके घर पे। नहीं जाएंगी भाई। क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? जिंदगी हराम कर रखी है उन्होंने मेरी पूरी। तुमने तो जिंदगी हराम कर रखी है बच्चे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? नहीं 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 भाई, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मना कर रही है। अम्मा झूठ बोल रही है ये। अरे तुम तो झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ये क्यों झूठ बोलेंगी, क्या कर रही है ये? अम्मा दिन रात मुझसे काम कराती रहती है नौकरानी की तरह, और बड़ी बहू को महारानी की तरह बिठा रखेगी घर में। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी वाली बहू भी करती है काम, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो कह रही है, बड़ी वाली बहू भी करती है। अरे कहीं नहीं करती अम्मा, अपने खसम का काम करती है बस, ससुर और देवर का मैं करती हूँ पूरे दिन। नंद नहीं सॉरी समधन। हाँ समधन, हमने तुम्हें क्या मतलब नौकरानी दी है? नहीं नहीं, बड़ी वाली बहू ने कल ही छुट्टियां बांधी है मेरी। ओए होए इतना हैवी काम, छाले पड़ दूंगा हाथ में। अस्पताल में एडमिट कराई थी, ग्लूकोज चढ़वाई थी, ग्लूकोज। नहीं नहीं, काम करती है वो भी। कौन सा काम कर रही है? अपने खसम का कर रही है। इससे ज्यादा मोहब्बत है तो इससे हम ज्यादा काम करा लेते हैं। ये ऐसी मोहब्बत बड़ी वाली बहू से भी कर लो अपनी। नहीं ये मुझे बता रही है, कई बार इन्होंने मुझे फोन पे बताया कि जेठानी बैठ के खाती है। हाँ? वो सिर्फ अपने खसम का काम करती है, फिर तुम्हारा काम और तुम्हारे पति का काम, फिर इसका अपने खसम का काम, फिर अपने दोनों देवरों का काम, ये किसी के बाप की नौकर लग रही है? नहीं, काम बांटो, काम बैठे हुए फजीता भाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी करती है बड़ी वाली, ये भी करती है। पता चल जाएगा अभी। हाँ? अभी पता चल जाएगा। हाँ, पार्क में गई आज बात में क्या फोन। हाँ हाँ हाँ, यहाँ क्या हुआ था? अम्मा कहीं भी नहीं करती काम, ये लगा लो घर में अगर कोई भी मेहमान आ जाए ना तो उसे महारानी की तरह उनके पास बिठा देगी और मुझे नौकरानी की तरह काम में लगा देगी। और जब भी कुछ लेन देन की बारी आ जाएगी तो बड़ी बहू को बुला लेगी। क्या बात हो रही है? मतलब कोई मेहमान आ रहा है तो उसे महारानी को बिठा रही हो कमरे में। हाँ। और हमारी बच्ची किचन में लग रही है, दिन रात काम कर रही है पसीनों में, कभी खाना कभी ये वो, और वो महारानी बनी है। क्यों? देखो जी, छोटी बहू से काम अच्छा आता है, खाना वाना बहुत बढ़िया। बात ना बना मेरे सामने, दुनिया क्या मानेगी? और दुपट्टा जरा कर लिया कर। हाँ ये बता मुझे। हाँ? बड़ी बहू का क्या सीन है, इसकी इतनी इज्जत क्यों हो रही है ससुराल में? देखो फजीताबाजी, बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ, जो बहू ज्यादा दहेज लाके आती है ना। हाँ। उसकी ससुराल में थोड़ी इज्जत तो होती है। अच्छा, जो बहू ज्यादा इज्जत दहेज लाती है। हाँ। उसकी इज्जत ज्यादा होती है। हाँ, हाँ। तो इस हिसाब से बुढ़िया तेरी तलाक तो 50 साल पहले होनी चाहिए। क्यों? तेरा बाप तो मूंगफली बेचता था बसों में। तू क्या लाई थी, क्या लाई थी तू? मैं तो खूब ले। अरे मैंने देखा तेरी शादी में गई हूँ, ट्रैक्टर पे बैठ गई, ट्रैक्टर पे। तुम्हारे घर में तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो अपनी बच्ची को इतना दहेज दिया, उसके बाद ये कर रही है तू? क्या दे दिया? क्या दे दिया मैंने? हाँ? क्या दे दिया? हेलो। और तो बिल्कुल बात कम ना हो रही इनके फोन पे। अरे तू क्या ले है? किरोंडिया को लेने आई हूँ। तू बता, हमने क्या दहेज में कमी कर दी बड़ी बहू में, और हमें क्या कमी रहेगी बता? मैंने दिया ही क्या है, बड़ी वाली बहू पता है कितना दहेज लाई, खूब दहेज लाई है। क्या लाई है बताना? 1 लाख रुपए की तो कार ले गई है, होंडा सिटी। बस बस
बस 51 लाख रुपल्ली की सरकार दिख रही है, 51 लाख रुपल्ली की, और हमने जो पानी गर्म करने की रॉड दी है वो ना दिखी। पानी गर्म करने की रॉड अमजद भाई से बनवाई मैंने ऑर्डर पे, मैंने मेरी बच्ची की शादी है पैसों में आग लगा दूंगी। इसे छोड़ो फजीता बाजी, वॉशिंग मशीन ले गई ऑटोमेटिक, यहाँ कपड़े धुल ले, यहाँ सूख रहे हैं, ओफो, ऐसी तो मशीन लाई ऑटोमेटिक। बस एक मशीन दिख गई, बस इसे एक मशीन दिख गई, और मैंने जो पूरा सेट दिया वो नहीं दिखा तुझे। कौन सा सेट दे दिया? कपड़े धोने का पूरा सेट, थपकी, कपड़े धोने वाली, ब्रश, बादल कंपनी का ब्रश धोने के नहीं है, और 24 चटकनियां, चटकनी कपड़े टांगने की, और दो रस्सियां कपड़े बांधने के नहीं है। ओहो, हमारा नहीं दिख रहा तुझे वो लाखों रुपल्ली की ऑटोमेटिक मशीन दिख गई बस इसे। हाँ हाँ दिख उसे छोड़ो फजीता बाजी, चल छोड़ दिया, गैस चूल्हा लेकर आई ऑटोमेटिक है, गैस चूल्हा है। हाँ। और हमने जो दिया, क्या दे दिया? स्टॉप, स्टॉप दिया हमने, स्टॉप वो नहीं दिखा तुझे, ऐसे करके यूं मारो, फिर उसे पिन लगाओ, फिर वो जलता है, और पैसों में ऐसी आग लगाई, खुला हाथ था मेरा, खुला 5 पिने दिए उसके साथ, पिन का सेट, हाँ वो यूं करके जो जलती है वो, हमारा नहीं दिख रहा तुझे, बड़ू बहू का दिया हुआ दिख रहा है बस। फजीता बाजी ये तो छोड़ो तुम, गोदरेज कंपनी की तो वो लेके आई है फ्रिज डबल डोर की, बस ये दिख गई, 1.5 लाख रुपए की है, बस 1.5 लाख रुपल्ली की, बस 1.5 लाख रुपल्ली की दिख गई है, और हमने अपनी बच्ची को मटका दिया वो नहीं दिखा। मटका? हाँ मटका नहीं दिखा तुझे, और ऐसा पैसों में मैंने आग लगाई, मैंने भाई मेरी बच्ची की शादी है, कमी ना रह जाए, पैसा खुला खर्च होगा। अच्छा, डुंगिया थी उसके साथ पानी निकाल लेगी, डुंगिया साथ नहीं थी उसके। अच्छा, अलग से डलवाई मैंने, चलो वो जब इतने पैसों में आग लग रही है ये भी लो, और टोंटी लगवा के दी। अच्छा, टोंटी प्लास्टिक की और स्टैंड। ओफो, अरे डायन एहसान फरामोश, तुझे मटके का स्टैंड तक दिया है मैंने, तुझे दिखा नहीं मैं फजीता। हाँ। बाजी ये तो छोड़ो तुम, 75 इंच की तो LED दी है टीवी, टच वाली 75 इंच की, बस बड़ी बहुओं के कारनामे गाती रही चुगल्लो। हाँ। बड़ी बहुओं के, हमने हाँ। तेरे पोते को क्या दिया? क्या दे दिया? वो वाला गेम इतना बड़ा होता है। हाँ। उसमें ऊपर पानी भरा हुआ होता है, रिंग डले होते हैं, इधर से स्विच दबाओ रिंग उड़ता हुआ जाता है उसके अंदर, सदर बाजार में घूमी हूँ, रिक्शा घूमी हूँ, ऐसे पैसों में आग लगाई है, ले 5 का रिक्शा, ले 10 महीने का, नहीं रिक्शा में लाखों खर्च हो जाए। वही गेम ला के दिया मैंने 35 रुपए का, वही ला के दिया मैंने अपने पोते को, वो नहीं दिखा तुझे है? वो नहीं दिखा? हाँ हाय हाय, अभी छुपाओगे ना तुम तो, मैं हो गई बात, क्या हुआ तू बोल, तेरे को कलेजे में फट रहा है, तो बस लड़की को लेना ही हो, ये नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी रही, नहीं मैं नहीं जाने, ऐसी जिंदगी खराब करी तूने, हमारी बच्ची की सारे काम तू इससे करवा रही है, हैं? नहीं फजीता बाजी तुम गलत सोच रहे हो, हां मैं रात को मिस कॉल तो दे देता हूं, ओफो इनका फोन ही ना हो रहा है, वो है ना वो डोसे वाला, क्या है, क्या है, कौन है फोन पे, है कोई तेरा बाप है, तू क्या ले रहे हो उससे, हैं? जुबान संभाल के बात, ओए ओ टक्कर मार के नक्सली फोड़ दूंगी, फजीता नाम है मेरा, कभी तेज चल रही हो, मेरी बच्ची नौकरानी भेजी है मैंने नौकरानी भेजी है, बता, नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये बेचारी सुबह 7 बजे उठ के अपने बच्चों को भेज रही है, फिर सुबह 8:30 बजे तुझे ठाना ठुसाना है, फिर ससुर को देना है, फिर दोनों देवरों को देना है, फिर नंद को देना है, और वो महारानी इसकी बड़ी, तेरी बड़ी, वो इसकी जेठानी, वो बड़ी भी है, खसम को भेजा पड़ी हुई है, नहीं करती है वो भी काम, इससे ज्यादा मोहब्बत है, कहीं नहीं करती, मेरठ की है वो, मैं जानती हूँ, मेरठ वाली तो काम ही ना करती है, अच्छा कौन सी वाली राज करती है, खूब दिल्ली की, दिल्ली की, दिल्ली 6 वाली काम करती है, हेलो हाँ 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 बार तब दिन जो तुम लोग खिला, क्या है, क्या लड़ तो रही हूँ तुझसे, दोनों काम कर रही हूँ, ये है कौन फोन पे, अरे है कोई है बस, तू क्या ले है कोई, चलो तो तू जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, ये लगा लो पूरे दिन दहेज के गाना गाती रहती है, ऐसी है हर किसी के सामने, तो भाई देखो मैंने तो फजीता भाई बुरा, तो हमारा भी तो गिना, क्या हमारा गिना, मैंने वो रही दी, रही जिससे लस्सी घुलती है, वो नीचे से फूल होता है प्लास्टिक की डंडी होती है, यूं करके डाल दे, यूं क्या बोले कमेंट करके बता देंगे, मैंने वो दी, तूने गिनाई वो, नहीं बताती किसी को भी नहीं बताती, 51 डब्बे दिए प्लास्टिक के, 51 डब्बे, हाँ जब जब मेरे घर में पनीर आ रहा था ना, मैं वो डब्बे धो धो के रख रही थी, शाही पनीर जब भी प्लास्टिक, मैंने कहा अपनी बच्ची को दहेज में दूंगी वो, हाँ हाँ लट्ठे के कपड़ों में से सूट सिलवाए मैंने तुम्हारे, लट्ठों के कपड़ों में से, एहसान भूल गई तू बुढ़िया, हाँ जानू, हाँ ब्लैक सूट है मेरे पास, अच्छा तुम क्या है बस, तू क्या चाह रही है मुझसे, मैं तो लड़की, अरे तू जाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगी अम्मा, ये नहीं जाएगी, तू अपना लंडा यहीं भेज दे, चल भेज दू, अपना लंडा यहीं भेज दे, क्यों भेज दू, अरे मैंने उसकी कोई कमी कर रखी है खाने में, ऐसे नाश्ते करवाती हूँ, 36 तरीके के, कैसे 36 तरीके के, है है। मेरा लौंडा जब जाता है ना ससुराल में, तो काजू पिस्ते से तो उसका नाश्ता होता है, काजू पिस्ता बादाम मेवे, मेवा से, बस बस
बस हमारे नाश्ते में तू हमारे हमारे जब तेरा लड़का आता ना हमारा दामाद घर पे पाँच पाँच रुपए वाली चिप्स के पैकेट लगाती हूँ नाश्ते में पाँच पाँच रुपए वाले चिप्स के पैकेट भाग के जाती हूँ बाहर जिल्फिकार की दुकान से लेकर आती हूँ नमकीन शीशे के उसमें रखता मर्दमान में पाँच पाँच रुपए की तीन बिस्कुट के पैकेट पाँच पाँच वाले कौन से पार्ले जी ये लगाती हूँ और रसना बनवाती हूँ दस दस रुपए का रसने में आग लगा देती हूँ ये नहीं देखती मैं पैसे कितना खर्च हो रहा है मेरे दबान आए हैं एकदम हमने कोई कमी छोड़ी है अम्मा बताओ 25-30 तरीके के आइटम होते हैं और क्या ये क्या जाने बुढ़िया इसे क्या बता ओ जुबान संभाल के चुगल्लो लाज में नहीं मिलने दूंगी लाज कभी सोच रही हो बैंगन भुनवा के खिलवाए मैंने बैंगन हमारे यहाँ आके कह दिया तेरा लड़का कह रहा मैं तो मेरा भाई जाता ना अपनी ससुराल बकरे भुनवा के खिला दे और आए मैंने दफे गए तू बैंगन खा बैंगन बैंगन भुनवा बैंगन बताओ बैंगन और भिंडिया सेक के खिलाई है रोस्टेड भिंडिया रोस्टेड भिंडिया खिलाई अरे हमारे बराबर को कोई खर्चा कर लेगा बातें कर रही है हाँ हाँ हाय हाय उस दिन जो हमको छत पे जब चौंध निकल लिया ना और तू आए कौन है फोन तू क्या ले रहे हैं क्या ले रहे तू है कोई यहाँ से और तू जाएगी क्या मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाएगी ना फट्टे सुलट तो गया यार ये नहीं जा रही बात खत्म हो गई तू जाए हमने और ये लगा लो जब भी बाजार जाएगी ना बली वाली बहू को साथ ले जाएगी लगा के मुझे ना लेके जाती क्यों भाई बली वाली बहू कौन लग रही तेरी अम्मा लग रही है तेरी अम्मा लग रही है वो क्यों ले आ रही है तू हमारी बेटी को भी ले जाकर बाजार खूब शॉपिंग कराकर लाकर इसको 10-10, 20-20 हजार रुपए खुला एकदम जैसे मैंने खुला खाना खिलाती हूँ दिलाती हूँ इसे सूट में ढाई ढाई दिला रही हो सूट मुझे हाँ। कोई भी शादी आ जाए बली वाली बहू के लिए 3-3 हजार रुपए के सूट बन रहे हैं और जरा सा मैं कहती हूँ अभी तो बनवाए थे चुप हो जाती तो आपा की शादी में होने का 4 साल पहले इसका सूट तो आपा की 3 सूट हाँ बाकी सारे सूट मैं बना रही हूँ उसके 8 साल हो गए मेरी बच्ची को शादी हुए तुमने सिर्फ 2 सूट बनाए 2 सूट बाकी मैं बना रही हूँ मेरे जब्बार पागल हो गए सॉरी मतलब इसके अब्बा पागल हो गए इसके सूट बनाते बनाते जब्बार सूट वाले की दुकान है क्या ले हुए है दादा गौर मत कर इसके अब्बा पागल हो गए इसका सूट बनाते बनाते हम बना रहे हैं सारे सूट तू क्यों नहीं बना रही बुढ़िया नहीं बनाऊंगी इसकी बेटा आप चलेगी ना बनाएंगे नहीं बनाएगी झूठ बोल लिया नहीं, नहीं बनाऊंगी फजी थवासी अब तो गले मिल लो अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद पता चलेगा तुझसे गले मिलूंगी रट्टे खींचूंगी ऐसा है एक बार चलिए ठीक है एक बार मैं समझा रही हूँ एक बार चलिया अब की बार कोई लड़े तो तवा होता है ना पराठे बनाने वाला टिका दियो घर में घुमा के अरे जो हो ससुराल में चुप हो जाओ जो मिल जाए तवा टिका दियो सामने बहू ने टिका दियो बर्तन मारियो बर्तन मैं तुझे लड़ने का तरीका बता रही हूँ लड़ाई हो ऐसे दरवाजा खोल ले ऐसे वाला दरवाजा पकड़ ले यूं भगवान यूं दे के मार और यूं वापस किवाड़ बंद कर ले उधर से जो हथियार आएगा किवाड़ रोक लेगा मैं तुझे सिखाई टेक्निक तू भूल गई भगवान ने सबसे सही पड़ता तवा यहाँ से मारियो चपट एक बारी में नक्शी फटनी चाहिए ठीक है चलिए जाओ चले ले जाओ फजीता बाजी ऐसा ज्ञान दे रही है और क्या मेरी बच्ची ले जा रही है ना तो एक ऐसी ट्रेनिंग दी अब तू कही फोन बंद नहीं हो रही तू जाना यहाँ से चल दबा चल जाने नहीं जाना यहाँ जाओ दिमाग खराब करे चल चल दबा यहाँ मरे जी तुझे क्या हो रहा है हमारे कौन आती है चल यहाँ से हाँ दबा जाना अरे हाँ कुछ नहीं कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं तुम बताओ हाँ अरे ऐसी बेटी लड़ा के आ गई थी अरे जाने दो ना वो तो मैं संभाल लूंगी तुम बताओ आओ 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 मैं भी आ रही छज्जे पे आओ बुलेट की आवाज करते हो ना पटाखे वाली हाँ मैं आ रही हूँ आ जाओ ला 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 ला